तो फ्रेंड ये गाड़ी है स्विफ्ट, ये गाड़ी बहुत ज्यादा ओवरहीट हो रही थी और नीचे से इसका पानी लीक कर रहा था। हमने इसको चेक किया तो इसका ब्लॉक के पीछे एक टिक्की लगी होती है, अल्टरनेटर के पीछे ब्लॉक के पीछे ब्लॉक पर, तो वो टिक्की में एक छोटा सा सुराख हो गया। ये सुराख क्यों हुआ ये भी आपको बताता हूँ क्यों हुआ, हमारी ये गलतियां हैं कुछ गाड़ी वालों की, मैकेनिक भाइयों की, तो ठीक है फ्रेंड माइंड ना करना। तो ये देखो छोटा सा में सुराख हो गया है, तो ये सुराख क्यों हुआ है फ्रेंड, ये सुराख इस करके हुआ जो लोग हम लोग हैं कूलेंट की जगह हम लोग पानी डाल देते हैं, नॉर्मल पानी डाल देते हैं और पानी थोड़ा टाइम चलने के बाद इस इंजन में ब्लॉक में रेडिएटर में जंग लगना शुरू कर देता है और जंग लगना से जो अंदर से टिक्की वगैरह और काफी कूलेंट वाले जो पार्ट होते हैं जैसे थर्मोस्टेट वाले कूलेंट वाले पाइप होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ भी यही हुआ, ये टिक्की अंदर से गल गई है और इसमें छोटा सा सुराख हो गया और पानी लीक करने लग गया। देखना ये देखो पानी कितना जारी बड़ी धार बन रही है जिसे, तो इसका पता नहीं चल रहा था ये कहां से पानी लीक कर रहा है। तो हमने अल्टरनेटर खोला और प्लेट खोली तो नीचे पीछे देखा इसके ब्लॉक में टिक्की जो लीक कर रही है। तो भाई कूलेंट डालना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कुछ लोग बोल देते हैं भी गर्मियों में कूलेंट डाला करो, भाई जरूरी नहीं गर्मियों में डालना चाहिए। कूलेंट का काम है गाड़ी के अंदर ब्लॉक को साफ रखना, रेडिएटर को साफ रखना और कूलेंट वाले जो पार्ट होते हैं उसको साफ रखना। तो नहीं पानी नॉर्मल पानी जो होता है वो काफी पार्ट को खराब कर देता है जंग लगना से। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर।